नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल लंबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक लड़की ने खुद से शादी की सारी रस्में भी पूरी की और फिर वो हनीमून पे भी गई। उसके बाद से अभी उसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन इसी बीच एक और लड़की की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसने एक गुड्डे से शादी की है। गुड्डा यानी कि रग डॉल, यानी कि जिसे कपड़े से बनाया जाता है, उससे उसने शादी की है और वो बहुत खुश है। आप काफी हैरान है ना कि उसने गुड्डे से कैसे शादी की। अब आप और हैरान होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि उसने एक माँ बन करके एक बच्चे को डिलीवरी उसकी की और उस डिलीवरी का वीडियो लाइव आया, तो आप हैरान हो गए ना। पूरी वीडियो देखिएगा, एक लड़की कैसे अनोखे प्यार में पड़ती है और फिर कैसे वो माँ बनती है, पूरी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी ना। अच्छा, आपने ये तो सुना ही है कि प्यार काफ़ी अंधा होता है, आपको कोई समझाए बुझाए आप कोई आप पे कोई असर नहीं होगा। हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जिसने इस कहावत को पूरा सच किया, जैसे कि लोगों का डॉल से शादी करना, सांप या ऐसे ही अपनी किसी फेवरेट चीज से उसे प्यार हुआ और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। अब एक मामला ब्राजील से आ रहा है जहां 37 साल की एक महिला को रग डॉल यानी कि कपड़े के गुड्डे से प्यार हो गया और उसने उसके साथ शादी भी की और उसके बाद वो हनीमून पर चली गई। अब वो महिला उस गुड्डे के साथ बच्चा होने का दावा भी कर रही है और महिला का नाम मोरिवॉन रोचा मॉरिस है। वो अपने जो पति है, जो गुड्डा है, उसको मार्सोलो कहती है। पहले वो उसका डांस पार्टनर बनता है, उसे प्यार होता है, उसके बाद वो शादी करती है। मॉरिस का कोई डांस पार्टनर नहीं था दरअसल, और वो हमेशा इसके लिए अपनी माँ से शिकायत करती थी और कहती थी कि वो डांस करने नहीं जाएगी। फिर उसकी माँ ने उसके लिए एक गुड्डा बनाया और गुड्डा मिलते ही मॉरिस को उससे प्यार हो गया। और मार्सोलो को लेकर के मॉरिस ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं और उनकी शादी भी करते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि उनमें से गुड्डा या गुड़िया किसी से हमने शादी कर ली हो। तो जिस समय उसको गुड्डा मिलता है मार्सोलो को लेकर के मॉरिस ने ये कहा, जो उसने कहा वो मैं एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ। वो मार्सोलो से मिलते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया था। मार्सोलो एक वफादार पति है, सभी लोग उनसे जलते हैं। हमारी शादी में लगभग 250 लोग आए थे और हमारी शादी बहुत नॉर्मल तरीके से हुई थी। खाना पीना हुआ, फोटो सेशन हुआ, मैंने मार्सोलो को रिंग बनाई, शादी की शुरुआत से लेकर के हनीमून तक मुझे बहुत मज़ा आया। मार्सोलो एक ऐसा पति है जिसे मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा पति ऐसा हो। मार्सोलो मुझसे कभी लड़ाई या बहस नहीं करता और हमेशा मुझे समझता है। हमने हमारा हनीमून रियो डी जेनेरियो में बिताया, जहां मुझे पता चला कि मैं मार्सोलो के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और इसी लड़की के बारे में एक और रिपोर्ट है जो एक वेबसाइट पे लोगों ने जिसको पढ़ा, उसके अनुसार बच्चे का जन्म जो है 200 लोगों ने लाइव स्ट्रीम में देखा। इसके बारे में मॉरिस कहती है कि प्रेगनेंसी के वक्त उसे कोई दर्द नहीं हुआ, उसने बच्चे को अपना एक नाम भी दिया है, मार्सोलिनहो। और मॉरिस आगे बताती है कि किस तरीके से लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती, लोग उसे पसंद नहीं करते। और उसने ये भी कहा कि जब लोग कहते हैं कि ये सब असली नहीं है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, बड़ा गुस्सा आता है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ और किसी चीज़ से फायदा नहीं उठाना जानती हूँ और मार्सोलो से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई गुड्डे को प्यार कर सकता है, कैसे उससे शादी रचा सकता है, मतलब उसको रिंग पहनाई, उससे शादी की और बाकायदा उसके साथ हनीमून पे वो जाती है, फिर वो माँ बनती है, फिर उसके डिलीवरी का पूरा वीडियो जो है उसको लाइव दिखाया जाता है। तो ये एक बहुत ही रोचक सा मैटर है।
इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी गुजरात के वडोदरा में एक युवती ने खुद से शादी की थी। इस शादी में उसके सारे रिश्तेदार थे, दुल्हन थी, दुल्हन का जोड़ा था, लेकिन कोई दूल्हा नहीं था। युवती ने खुद से ही खुद को सिंदूर लगाया और साथ फेरे लिए। शादी के बाद हनीमून पे भी गई और युवती का नाम मैंने आपको बताया शमा बिंदु है। भारत की पहली सोलोगेमी शादी थी और इसके अलावा भी टेडी बियर, सांप और सेक्स डॉल, डिजिटल करेक्टर और स्मार्टफोन से गाये भगाए शादी करने के मामले सामने आते रहते हैं। दोस्तों दरअसल क्या है कि बहुत सारे लोगों को दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मसलन जिस लड़की की मैंने बात की है शमा बिंदु, ये भी लोगों से ये कह रहे हैं कि उसने खुद से शादी की है एक तमाशा बनाने के लिए, एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। लेकिन दरअसल होता क्या है, शादी के बाद आजकल नए नए तरीके के झगड़े, फसाद, आपस में नहीं पटना, उसके बाद भी डाइवोर्स हो जाना, लड़कियां सोचती हैं कि इन सब झंझट में क्या पढ़ना है और हम इस तरीके से शादी कर लेते हैं। और अभी पिछले दिनों में एक वेब सीरीज देख रही थी, उसमें वो लड़की कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, तो उसकी माँ बोलती है कि तुम शादी करो बच्चा हो जाएगा, तो वो उसे कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे पति नहीं चाहिए। तो देखिए लड़कियों की सोच बदल रही है। और ये जो लड़की जिसकी मैं बात आपसे शेयर कर रही हूँ, ये लड़की भी बहुत अकेली रहती है और दुनिया से बहुत डरी हुई रहती है। फिर इसकी माँ ने इसको, इसका मन बहलाने के लिए इसको एक गुड्डा दिया, जैसा कि हमारे माता पिता बचपन में हमको गुड्डा गुड़िया देते थे ताकि हम उससे खेलते रहें। लेकिन इस लड़की को, मॉरिस को, उससे प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो शादी की जिद करती है। तो जाहिर सी बात है उसने देखा होगा उसके आसपास, और ये सच भी है कि लड़कियाँ बहुत फैडअप हो चुकी हैं शादी के रिश्तों से। उन्हें लगता है कि शादी के रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, लिहाजा इस तरीके की शादी की जाए जिससे मतलब उन्हें कोई कुछ कहे ना। अब मॉरिस भी ये कहती है कि मेरा जो पति है बहुत अच्छा है, मुझसे लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, कोई फरमाइश नहीं करता, कोई डिमांड नहीं करता। तो जाहिर सी बात है उसे, मॉरिस को अपने पति के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसके साथ एज ए टॉय, एज ए खिलौना, एज ए गुड्डा, गुड्डा तो वो है ही, मतलब वो उसे प्यार करती है। और सेम जो कहानी थी वो शमा बिंदु की थी, उसने भी ऐसे ही किया था, उसकी भी यही वजह थी। उसका मैंने फेसबुक पे प्रोफाइल पढ़ा तो कभी उसका दिल टूटा था, उसके बाद उसने उसी पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि वो खुद के साथ जिएगी, उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने दुनिया देख ली है। हालांकि मॉरिस के बारे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है। भारत में पहली शादी थी सोलोगेमी की, उसने खुद से शादी की, या मॉरिस ने गुड्डे से शादी की है, और वो भी एक तरह से हम उसको इसी तरीके की शादी की कैटेगरी में रख सकते हैं जहाँ उसे कोई कहने वाला नहीं होगा, उसे कोई सुनने वाला नहीं होगा, केवल और केवल मॉरिस अपनी बात कहेगी, उसे कोई डांटेगा नहीं, उसको कोई हुक्म नहीं चलाएगा, उससे कोई कुछ मांगेगा नहीं। इसी तरीके से उसने अपने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया, वो बच्चा भी उसके पति जैसा ही है, और एक नई सी शुरुआत है ये। अपने बच्चे को भी वो बाकायदा उसने लाइव डिलीवरी को दिखाया है। तो ये सब चीज़ें एक औरत जो है एक फील करना चाहती है, बाकी के जो झमेले हैं शायद से उसमें वो नहीं पढ़ना चाहती। हो सकता है लेटर ऑन आने वाले सालों में उसको कुछ अकेलापन लगे, लेकिन फिलहाल जो एक सोच नहीं उभर रही है वो लड़कियों में अकेले रहने की पनप रही है। दोस्तों आप मेरे इस कंटेंट के बारे में क्या कहते हैं, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में अपना डोन देके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, आपसे मैं विदा लेती हूँ, किसी और कहानी के साथ आपके साथ मिलूंगी, आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।